हेलो यूनिवर्सल ट्रुथ फैमिली, एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सक्सेस स्टोरीज, मंत्रास, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस एंड आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लिए यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज मैं आप सभी के साथ में एक ऐसे सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड की है, और इस सक्सेस स्टोरी को सुन करके आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आप ब्रह्मांड से प्रार्थना में कुछ भी मांगते हो तो ब्रह्मांड आपको दे देते हैं। मैं आपको सक्सेस स्टोरी भी बताऊँगी और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगी किस तरीके से आप भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी हासिल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको भी सक्सेस मिल सकती है, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें आप प्रार्थना में मांगते हो वो आपको ज़रूर मिलती हैं अगर आपके भीतर विश्वास होता है। ये लाइन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताई है और आज इसी लाइन की सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं सक्सेस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा है, हाय दी, यूनिवर्सल ट्रुथ चैनल ने मुझे वो दिया जो मिलना इम्पॉसिबल था। मैं एक ईयर से पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था। मैंने सब कुछ ट्राई किया बट पार्टनर ने मुझे अनब्लॉक नहीं किया। पार्टनर की शादी फिक्स हो गई थी मार्च में। उनकी शादी थी, फिक्स होने के बाद पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था। पार्टनर शादी नहीं करना चाहती थी बट उनके पेरेंट्स हमारी शादी के लिए रेडी नहीं थे। हमारी रिलेशनशिप के बारे में जैसे ही पता चला पार्टनर की शादी फिक्स कर दी। बट दी ओनली आपके चैनल से मुझे वो मिला जो मिलना इम्पॉसिबल था। मैंने प्रेयर किया, रात में मैं प्रेयर करते टाइम मेरे आईज से टीयर्स गिर रहे थे। भगवान से बोल रहा था, अब ओनली आप मेरा सहारा हो। प्रेयर करते करके मैं सो गया। सुबह में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे फ़ोन पर पार्टनर के 16 मिस कॉल्स हैं। वो मिडनाइट से मुझे कॉल कर रही थी। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि पार्टनर ने मुझे कॉल किया। मुझे अनब्लॉक कर दिया। दी आपका प्रेयर मैजिक है, सच में यूनिवर्स सुनते हैं। जब दिल से प्रे करो तो विश जरूर पूरी होती है। पार्टनर को कॉल किया मैंने। पार्टनर ने मुझे बोला कि शादी कैंसिल हो गई है, जिसके साथ उनकी शादी फिक्स हुई थी। उनके बारे में उनके फादर को कुछ गलत बातें पता चली जिसके बाद वो शादी कैंसिल हो गई थी। ये मैजिक है। पार्टनर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ शादी करेंगी, वो स्टैंड लेंगी। थैंक यू दी, थैंक यू यूनिवर्सल ट्रुथ चैनल, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखा आपने कैसे उन्हें सिर्फ एक दिन में सक्सेस मिल गई। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यानी प्रार्थना में विश्वास रखते हैं और ब्रह्मांड में विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें दे देते हैं जो आप मांगते हो। जैसा कि मैंने एक पहले की वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड के लिए कोई भी चीज़ प्रकट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो बहुत ही आसानी से आपके लिए कोई भी चीज़ प्रकट कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही आप मांगते हैं आपके लिए हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप भी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो भी प्रार्थना के माध्यम से। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहते हैं, वो है आपका विश्वास। विश्वास यानी फेथ। फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब होता है उन चीज़ों को होते हुए देखना जो आप चाहते हैं कि हो। यानी कि मान लो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल करे, तो उस चीज़ को विश्वास के साथ सोचना कि हाँ यही चीज़ पॉसिबल है। अपने माइंड में उसकी क्लियर इमेज रखना कि मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल किया, या फिर कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो, उसका यही सीक्रेट है कि आप फेथ रखो। फेथ रखने का एक ही मतलब है कि आप उन चीज़ों को होते हुए देखिए अपने अंदर जो कि आप चाहते हो कि आपके साथ हो। समझ के आप इस चीज़ को, बस यही है, इतना ही है। विश्वास के साथ आप प्रार्थना में जो भी मांगते हो आपको मिल जाता है। तो आप जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना कैसे करते हो, कैसे करोगे, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा। आपको प्रार्थना में ब्रह्मांड से
या ईश्वर से या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं उनसे बस अपनी सिचुएशंस के बारे में आप बता दीजिए, और इसके साथ ही आप जो चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको आज तक इतना कुछ दिया है। धन्यवाद दीजिए कि आपकी विश पूरी हो गई है। ना सिर्फ उस विश के लिए धन्यवाद दीजिए जो आप मांगना चाहते हो उस वक्त, बल्कि उन विशेज के लिए भी धन्यवाद दीजिए जो कि आपकी पूरी हुई हैं। और अपनी लाइफ में आपने जो कुछ भी पाया है, जितनी अच्छी लाइफ आपकी है, उन सभी चीज़ों के लिए हमेशा धन्यवाद देते रहिए। तो ये होता है तरीका प्रार्थना करने का। कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रेयर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रही हूँ। आप कोई भी प्रेयर कीजिए, हर प्रेयर उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आपका काम ये है कि आप इनमें से कोई भी प्रेयर करें, अपने पूरे दिल से करें, अपने पूरे विश्वास से करें, और आप देखेंगे कि आपको भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी जो कि प्रेयर से रिलेटेड है मैं हमेशा ही पोस्ट करती हूँ, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही जो लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि कैसे मुझसे बात करनी है या कोर्सेज लेने हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।